इस बार ईद का त्योहार कोरोना काल के चलते लागू किए गए लॉकडाउन के बीच मनाया गया। सदियों में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लोगों ने अपने घरों में रहकर ईद की नमाज अदा की हो। हालांकि राजधानी लखनऊ की सड़कों पर ईद के दिन एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां पर लोग सड़कों पर अपनी खुशियां बांटते हुए नजर आए। मोहनलालगंज क्षेत्र में भले ही लोगों ने ईद की नमाज अपने घरों में रहकर अदा की हो, लेकिन लोग खुशियां बांटने के लिए सड़कों पर दिखाई दिए। कोरोना काल में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है और ऐसा सदियों में पहली बार हो रहा है जब लोग अपने घरों में रहकर ईद की नमाज अदा कर रहे हों, लेकिन राजधानी लखनऊ में एक अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं वो लोगों के साथ खुशियाँ बाँट कर अपनी ईद मना रहे हैं। यहाँ पर जो लोग भी गरीब बेसहारा लोग यहाँ से गुजरते हैं उन सभी को यहाँ पर पानी और बिस्किट उपलब्ध कराए जाते हैं और इसी के साथ जो यहाँ पर ईद मनाने वाले लोग हैं वो अपने घरों में रहकर ही फोन कॉल के द्वारा लोगों को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। यहाँ पर सपा विधायक गुजर रहे थे जो इस वक्त इन लोगों के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे आखिर वो देशवासियों को ईद की किस तरह से शुभकामनाएं देना चाहेंगे। हाँ, आपको भी हमारी तरफ से के न्यूज के माध्यम से मैं अपने समस्त क्षेत्रवासियों को ईद की हार्दिक मुबारकबाद कहना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ। आज जैसा कि आज पूरा देश में कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, इसके तहत आज हम लोग हमारे क्षेत्रवासी हमारे मुस्लिम भाई जितने हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ईद का त्यौहार मना रहे हैं। जिस प्रकार देख रहे हैं कि वो लोग आपस में घरों में ना रह के आज यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको पानी बिस्किट तमाम तरीके की खाद्य सामग्री उनको उपलब्ध कराई जा रही है। बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे सभी साथी, मैं उनका बहुत बहुत ईद के मौके पे बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और ये सभी लोग एक नेक काम कर रहे हैं ईद के मौके पर, बहुत बढ़िया चीज़ है। बिल्कुल, तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक अमरीश पुष्कर जी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो इन लोगों के द्वारा कार्य किया जा रहा है वो बेहद ही सहनीय है और ऐसे में जो मुस्लिम भाई हैं वो भी लगातार ईद की खुशियां जो हैं वो लोगों के साथ बांट रहे हैं। जय कृष्णा, के न्यूज़ लखनऊ।